लिखा हुआ कविता यहाँ नहीं है, वरना तुम्हारी ये हालत देखकर तो बेचारी का दिल टूट जाएगा। नहीं डैड, अब वेदिका को कहीं नहीं भेजेंगे। प्लीज प्लीज डैड। ध्रुव बेटे, कैसा है तुम्हारा प्यार, कैसी तुम्हारी चाहत। तुम कहते हो कि वेदिका के बगैर जी नहीं पाओगे। जरा सोचो, अगर उसने अपने हाथ अपनी जान ले ली तो क्या होगा। उस वक्त उसकी जान जाने का दोष मैं तुम्हें भी दूंगा। मैंने फैसला ले लिया है, वेदिका अब घर में नहीं रहेगी। उसे पागलखाने जाना ही होगा, जाना ही होगा, जाना ही होगा, जाना ही होगा। मेरी बात तो इसकी समझ में नहीं आ रही, तुम ही समझाओ इसे। समझाओ इसे कि वेदिका हमारे लिए पराई नहीं है, हम उसका भला ही चाहते हैं बेटे। पापा ठीक कह रहे, अब हमें वेदिका को मेंटल असाइलम भेज देना चाहिए। परोत नहीं निहारेगा, अब ना तुम कुछ कहोगे और ना ही ध्रुव। हर रोज एक नया तमाशा खड़ा हो जाता है, हर वक्त ये डर लगा रहता है कि पता नहीं अगले पल क्या हो जाए। ऐसा ही होगा, एक पागल के साथ एक छत के नीचे रहोगे तो ऐसा ही होगा। नहीं नहीं उमा जी, नहीं नहीं, मुझे पता है अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर माँ की तो डेथ ही हो जाती है, पर क्या करें, बीमार बच्चे का इलाज भी तो कराना जरूरी है ना। ध्रुव, ये वक्त दिल से नहीं दिमाग से सोचने का है, और तुम अकेले थोड़ी ना, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। माना ध्रुव, तुम्हारे लिए ये फैसला लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन कई बार मुश्किल हालात में ही मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, और हम वेदिका को वहां भेज रहे हैं ना इलाज के लिए। वो ठीक हो जाएगी तो घर आ जाएगी। मैं अब सबकी भावनाएं समझता हूं, लेकिन इस दिल का क्या करूं, मानता ही नहीं। बेटे अपने दिल को मनाओ, वेदिका की भलाई इसी में है कि जल्द से जल्द इलाज के लिए उसे मेंटल असाइलम भेज दिया जाए। ठीक है पापा, अगर आपको लगता है कि वेदिका की भलाई इसी में, तो भेज दीजिए उसे। कैसी लगी आपको मेरी एक्टिंग? वैसे एक बात तो है, आपको मेरी एक्टिंग और मेरे दिमाग की दाद तो देनी ही पड़ेगी। कैसा फूल प्रूफ प्लान बनाया मैंने, और रिजल्ट, रिजल्ट आपके सामने। सबको इस बात का विश्वास हो गया कि बेचारी वेदिका पागल हो चुकी। एक्चुअली एक बोर्ड लगा देना चाहिए, बिवेयर ऑफ वेदिका, कैसा रहेगा? अच्छा है ना। अरे ये क्या, मैं हंस रहा हूं और आप मुस्कुरा भी नहीं। करण, मैं मानती हूं कि तुमने अपना खेल बहुत समझदारी से खेला है, और यह भी जानती हूं कि अब भगवान चाहकर भी तुम्हें ध्रुव बनने से नहीं रोक सकते, पर शायद तुम भूल रहे हो, सुंदरी जश्न तभी मनाती है
जब वो मंजिल पा लेती है। और वेदिका अब भी यही है, इसी घर में, इसी छत के नीचे। पर आज की रात का हर पल हमारे लिए भारी है। सुंदरी को खुशी तब होगी जब वेदिका नाम का कांटा उसके रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। जब मैं एम्बुलेंस में बैठी बेबस वेदिका को पागल खाने जाते हुए देखूंगी ना, तब मैं मुस्कुराऊंगी भी और हंसूंगी भी। वैसे मुझे आपको अपना गुरु तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका साथ नहीं तो मेरे लिए कुछ भी कर पाना मुमकिन नहीं। करण, और लोग भी तो तुम्हारा साथ दे रहे हैं। तुम्हारी उर्वशी माँ है ना इस खेल में तुम्हारे साथ, हाँ? और क्यों ना हो, आखिर तुम्हारी माँ है। सात समंदर पार करके वो यहाँ आई है। बेचारी अपनी ममता में इतनी बेबस है कि अपने बेटे के हर गलत काम में भी उसका साथ दे रही है। कुछ भी कहो, उर्वशी माँ की ममता को तुम मानना ही पड़ेगा। तुम यहां इसके साथ? ध्रुव, मैं तुमसे पूछ रही हूं। हाँ निहारिका, आना तो नहीं चाहता था लेकिन मजबूरन आना पड़ा। मैं इनसे ये कहने आया था कि आज इन्होंने जो भी मेरी वेदिका के बारे में कहा वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। भला ये बात मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता कि कोई मेरी वेदिका को पागल कहे। आपने तो कभी भी वेदिका का भला नहीं चाहता और अब भी मैं आपसे कुछ उम्मीद नहीं कर सकता, लेकिन प्लीज फॉर गॉड से हमें हमारे दुखों के साथ अकेला छोड़ दीजिए। अकेला छोड़ दीजिए। नजर लग गई मेरी बेटी को, क्या हालत हो गई है इसकी। निहारिका, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, अपने पास रखूंगी, मैं इसे बहुत प्यार दूंगी, इसकी बहुत सेवा करूंगी। मां, प्यार, सुख और आराम की कमी तो इसे यहां पर भी नहीं है। वेदिका की एक जगह है इस घर में। मैं, पापा, ध्रुव, हम सब इसे अपनी पलकों पर बिठाते हैं। मामा, जब हम सब मिलकर इसका इतना ख्याल रखते हैं, तब इसकी ये हालत है। पापा अकेले क्या कर लेंगी मामा? ध्रुव जो से जान से भी ज्यादा चाहता, इसने उस पर हमला किया और आज तो इसने अपने आप को पंखे से लटकाने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ मामा कि हम सब ने मिलकर वक्त पे दरवाजा तोड़कर इसे बचा लिया, वरना आज हम वेदिका को खो देते।
मामा, तो मुझे लगता है कि पापा का वेदिका को मेंटल असाइलम भेजने का फैसला सही है। आंखें बंद करो बेटा, आंखें बंद करो। इस बाहरी संसार से तुम्हारा कोई संबंध नहीं। हर रिश्ता, हर नाता टूट चुका है। तुम्हारे चेतन मन और अवचेतन मन के बीच घोर संघर्ष चल रहा है। अपनी अंतरात्मा में झांको बेटा, अपनी अंतरात्मा में झांको, उसके निकट जाओ और निकट जाओ, झंझोड़ो उसे, झंझोड़ो, याद करो, याद करो। याद आया कुछ? नहीं, कुछ कुछ याद नहीं आ रहा। याद आएगा, सब कुछ याद आएगा बेटा। कुछ दिखाई दे रहा है तुम्हें? कोहरा, एक धुंध। और केंद्रित करो बेटा, अपने ध्यान को और केंद्रित करो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या दिख रहा है तुम्हें? एक बड़ा सा घर। आगे बढ़ो बेटा, उस घर में क्या है? क्या है उस घर में? एक मंदिर, 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 मंदिर। मंदिर में क्या है बेटा? राम सीता की मूर्ति। वो वहां पे पूजा कर रही है। कौन पूजा कर रही है बेटा? कौन पूजा कर रही है? वेदिका, 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 वेदिका। ध्रुव, मामी जी। कमरे में क्या कर रहे हैं? किसे बुलाया है आप लोगों? मामा, 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 मैं पागल नहीं हूँ। प्लीज, इन्हें बोलिए ऐसे चले जाएं। मैं पागल नहीं हूँ मामा। मामा, मुझे आप घर ले चलिए। यहाँ मेरी बात का कोई विश्वास नहीं कर पाता। तितली मामी, तितली मामी, आप मेरी बात पर विश्वास करती है ना कि मैं पागल नहीं हूँ? आपको मेरी बात पर विश्वास है ना? तो प्लीज इनसे कहिए ना माँ, इनसे कहिए ना कि मैं पागल नहीं हूँ। मुझे पागल खाने नहीं जाना। तो मामी, मैं वहां जाऊंगी तो मैं सच में पागल हो जाऊंगी। मैं सच में पागल हो जाऊंगी। मैं नहीं जाना चाहती निहारिका। मामा प्लीज, मामा चलो, हम अभी ही चले जाते हैं। नहीं चलती। मुझे हाथ मत लगा।
हाथ मत लगाना मुझे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे तुम? रुद्र भैया प्लीज, इनसे कहो मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ पापा जी, मैं पागल नहीं हूँ। एक बार फिर मेरे साथ अन्याय होने जा रहा है। मैं चीख चीख कर सबको अपनी बात पर विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन किसी को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा।